हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेक्सप्लोरर्स.com। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे दीव आइलैंड के बारे में। वहाँ कौन सी जगह हैं जो फेमस हैं और कौन कौन सी जगह जो है हिस्ट्री और बॉलीवुड के चार्म से जुड़ी हुई हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको इस बारे में बताएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। ये थोड़ा सा जान लेते हैं दीव आइलैंड के बारे में। दीव आइलैंड एक्चुअल में गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप के दक्षिण तट पर स्थित है और एक्चुअली बहुत ही छोटे सी आइलैंड है, लेकिन यहाँ का जो पीसफुल एनवायरनमेंट है इसकी जो ब्यूटी है उसको और बढ़ा देता है और ये एक वीकेंड के लिए बहुत अच्छा विकल्प बन सकता है। यहाँ पे रेतीले समुद्र तटों पर कुछ सुकून भरे पल आप बिता सकते हैं और इस खूबसूरत जगह के इतिहास की यात्रा भी कर सकते हैं। और ये फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे फॉर्मर जो पुर्तगाली कॉलोनी है उसका आपको झलक यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ के घरों और चर्चों और सड़कों के जो यहाँ का आर्किटेक्चर है सारा, वो सारा आपको पुर्तगाली कल्चर का आपको उसका असर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मुख्य आकर्षण दीव आइलैंड का है वो है 16वीं सदी का किला, जिसे गुजरात के मुगल सुल्तान बहादुर शाह और पुर्तगालियों ने बनवाया था। किले की वास्तुकला में ही मुगलों के इतिहास को दर्शाया गया है। किला अरब सागर का शानदार नज़ारा पेश करता है और इस किले की विशाल दीवारों के छिद्रों से आप झरोखों से झांकते हुए समुद्र के सामने किले की दीवारों के साथ एक विशाल लाइट हाउस और कई तोपें हैं। किले के अंदर अन्य जगहों पर भी तोपें रखी गई हैं। और दोस्तों, इस किले का खुलने का समय है सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक और यहाँ पे एंट्री बिल्कुल। यह किला काफी विशाल है जिसके भीतर जाने के लगभग 3 प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया था और इस किले के 3 तरफ के हिस्से समुद्र से लगते हैं। किले के बाहरी और भीतरी दीवारों के बीच एक दुगनी खाई स्थित है जो आंतरिक दीवारों को सुरक्षा प्रदान करती है और इस किले को भी अलग करती है। इस किले को बलुआ पत्थर की चट्टानों को काटकर बनाया गया है। इस किले की दीवारों के बगल में से गहरे पानी की नालियां भी गुजरती हैं, जिसका निर्माण पहले सुल्तान ने और बाद में पुर्तगालियों ने करवाया था। इस किले के एक एंड में एक बहुत बड़ा लाइट हाउस है जो इस किले की दीवारें, गेटवे, रैंप और किले के गढ़ों के खंडहर को सुरक्षा प्रदान करती थी। किले के मेन गेट के सामने की दीवार पर पत्थर की बहुत बड़ी बड़ी 5 बड़ी खिड़कियां बनी हुई हैं, जिसमें से काफ़ी मनमोहक नज़ारे देखने को मिलते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस किले के बारे में ये है कि यहाँ पे बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है, जैसे कि काईपोचे, आक्रोश, कयामत, अग्निपथ, रिफ्यूजी और हाल ही में जो अभी अक्षय कुमार की अपकमिंग मूवी है राम सेतु है, उसकी शूटिंग भी यहाँ पे दीव फोर्ट में हुई है। दूसरी चीज जो देखने की है वो है अल्फेस्टन जेल, जो कि पानी कोठा के नाम से भी जानी जाती है। और ये जेल जो है वो दीव किले के ऊपर से आप देख सकते हैं, जो कि अब अरब सागर के बीच में एक लाइट हाउस और चैपल के साथ विशाल पत्थर की संरचना के रूप में बनाया गया है। ये जब पुर्तगालियों ने दीव पर शासन किया था तो उस टाइम पे ये अल्विस्टन जेल थी जो मुख्य जेल परिसर के रूप में कार्य करती थी। ये भारत की अनूठी जेल है। शाम को यहाँ पे दीव के सामने तट से दूर समुद्र में स्थित ये पानी कोठे का एक शानदार दृश्य देखने को मिलता है और इसको आप सनराइज से सनसेट तक किसी भी टाइम पे आप। थर्ड प्लेस जो दीव की है वो है बहुत ही आकर्षक नायडा केव्स, जो कि नायडा गुफाओं के नाम से जानी जाती है और ये बहुत ही खूबसूरत नेटवर्क जो है समुद्र का उसको चित्रित करते हुए एक मैग्निफिसेंट रॉक फॉर्मेशन की एक आदर्श भूल भुलैया जैसी संरचना है।
नायडा केव्स के अंदर सुरंगों का एक विशाल जाल है जिसमें चकोर तराशी हुई सीढ़ियां हैं, और ये जगह फोटोशूट के लिए एक आदर्श स्थान है। और यहाँ पे आपको एक अद्भुत मतलब जादुई स्पर्श वाले फीलिंग आती है, यहाँ से बीच बीच में सूरज की रोशनी आपके ऊपर पड़ती है। समुद्र तटों यानी बीचेस और फोर्ट के साथ साथ भीड़ भाड़ वाले टूरिस्ट प्लेसेस के अलावा दीव में जो नायडा केव्स हैं वो आप उसको एक छिपा हुआ रतन कह सकते हैं, यानी कि एक यू कैन से हिडन जेम है एक दीव का। हमें तो ये नायडा केव सबसे ज़्यादा पसंद आई थी जगह दीव में। और यहाँ पे आप अगर पीस लवर हैं तो आप बस कुछ देर बैठें और आसपास के शांत और मतलब पीसफुल सीरीन एनवायरनमेंट का मज़ा लें। नायडा केव्स भी बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग प्लेस रह चुकी है, जैसे कि ऋतिक रोशन की अग्निपथ की शूटिंग यहाँ हुई है, और साथ ही तरकीब मूवी का बहुत ही फेमस सॉन्ग जो कि जगजीत सिंह ने गाया था और मिलिंद सोमन और पूजा सॉरी तब्बू के ऊपर फिल्माया गया था किसका चेहरा, उस सॉन्ग की शूटिंग भी नायडा केव्स में ही हुई थी। जैसे जैसे दिन चढ़ता है तो ऊपर से सूर्य की किरणों में जो भी परिवर्तन आता है उसके कारण जो अंदर केव्स के अंदर जो अलग ही तरह का सुंदर रंग और डिफरेंट आकृतियाँ जो दिखाई देती हैं वो अपने आप में ही बहुत ही मार्मिक है। सबसे बढ़िया बात यहाँ पे जो एंट्री है बिल्कुल फ्री है, और यहाँ आप सूर्य उदय से सूर्यास्त यानी कि सनराइज से सनसेट तक आप यहाँ पे घूम सकते हैं। और यहाँ पे आपको बीच में जगह जगह इसकी चट्टानों में से धीरे धीरे पानी रिसता हुआ भी आपको नज़र आएगा मिलेगा, और वो जो बहुत ही अंदर ठंडक वाली फीलिंग भी देता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर हम नायडा केव्स की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहें तो कहा जाता है कि जब पोर्तुगीज़ दीव पर रूल कर रहे थे तो उन्होंने उस टाइम पे एक बहुत बड़ी रॉक फॉर्मेशन को तोड़ा था, और उसके जो रॉक थी वो यूज़ की थी कंस्ट्रक्शन के पर्पस के लिए। तो इसके बाद एवेंचुअली जो है केव को अपनी ये शेप मिली। बट ये भी कहा जाता है कि ये जियोलॉजिकल इरेगुलरिटीज़ की प्रोसेसिस की वजह से विद टाइम जो है केव्स ने ऐसी शेप ले ली। बट जो लोकल अगर लोगों से पूछें लोकली ये कहा जाता है कि 20वीं सदी में जब पुर्तगाली एडमंट हो गए थे कि दीव को नहीं छोड़ना चाह रहे थे, तब ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया था ताकि वो कंट्रोल कर सकें इंडियन आर्मी, और कितने सारे जो सोल्जर्स थे वो नायडा केव में रहे। नेक्स्ट प्लेस जो है वो हिस्टोरिक प्लेस है जो दीव में देखने लायक है, वो है INS कुकरी नेवल वॉर मेमोरियल। ये 1971 में जब पाकिस्तानी सबमरीन्स द्वारा टॉर्पिडो की स्मृति में ये एक भारत पाकिस्तान वॉर मेमोरियल है। INS कुकरी इंडियन नेवल सेना का शिप था जो दीव के तट पर डूब गया था, और इस मेमोरियल का जो उद्घाटन है वो 15 दिसंबर 1999 को हुआ था। 9 दिसंबर 1971 की रात को जब भारत पाक युद्ध के दौरान INS कुकरी जो कि भारतीय नौसेना का ब्रिटिश टाइप 14 फिग्रेट और पाकिस्तानी सबमरीन PNS हैंगर द्वारा दागे गए 3 टॉर्पेडो की चपेट में आने से दीव के तट पर डूब गया था। शिप के साथ 178 नाविक और 18 ऑफिसर्स का जो सुप्रीम सेक्रीफाइस जिन्होंने किया था उनके नाम यहाँ पे आपको लिखे हुए मिलेंगे। और यहाँ के जो INS कुकरी के जो कैप्टन थे महेंद्र नाथ मुल्ला, उन्होंने शिप के साथ ही नीचे जाने का फैसला किया था जिसकी वजह से उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया था। केवल 61 नाविक यानी 61 नाविक और 6 ऑफिसर ही बच पाए थे। यहाँ एक ग्लास के सांचे में जो भारतीय नौसेना का ब्रिटिश टाइप 14 फिगरेट है उसका प्रोटोटाइप रखा गया है, और ये जगह आपको 24 आवर्स खुली मिलेगी देखने के लिए, और यहाँ पे भी एंट्री फ्री है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्पॉट है गंगेश्वर महादेव मंदिर। ये एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो समुद्र की
लहरों से, उठते हुए पानी से जो है 5 शिवलिंगों को धोता है और ये तट जो है भगवान शिव को समर्पित है। तभी होता है जब समुद्र की लहरें बहुत ऊंची उठती हैं। और पौराणिक रूप से ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत काल में पांडवों ने करवाया था और ये इस मंदिर के खुलने का समय है सुबह 6 से शाम 8 बजे तक। दीव की नेक्स्ट प्लेस है सेंट पॉल चर्च, जो कि 16th century की चर्च है और ये दीव की 3 मुख्य चर्चों में से सबसे नंबर 1 पे है। और यहाँ पे संडे को छोड़कर वीक के सभी दिन के लिए में आपके लिए खुली रहती है और इसका टाइमिंग है सुबह 8 से शाम 6 बजे तक। अब दीव का सबसे फेमस जो स्पॉट है वो है यहाँ के बीचेज। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन सबसे जो शांतिपूर्ण और कह सकें क्लीन बीच है वो है जालंधर बीच। और यहाँ ये जो बीच है ये यहाँ पे सनराइज और सनसेट देखने के लिए बहुत अच्छी जगह है और इस बीच का हिंदुओं के लिए भी बहुत महत्व है। ये इस बीच का नाम जो है जालंधर राक्षस के नाम पर पड़ा है जिसको भगवान कृष्ण ने मारा था। तो दोस्तों ये थी हमारी दीव आइलैंड की टॉप प्लेसेस की लिस्ट। आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो अब इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।